हाय फ्रेंड्स, आज हम इनक्यूबेटर मशीन की वायरिंग कैसे करते हैं ये जानेंगे। वायरिंग करने के लिए हमको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है पहले ये जानिए। हमको एक से एक होल्डर चाहिए, एक फैन चाहिए और एक 60 वाट का लाइट बल्ब और एक टू पिन टॉप चाहिए और ये W1200 सर्किट और एक एडाप्टर 1 एम्पियर का और 1 मीटर वायर। पहले हम 2 वायर लेकर ये होल्डर में लगा लेंगे। फिर ये होल्डर से एक वायर लेकर 1200 सर्किट के पेपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर K0 लिखा हुआ है, ऊपर एक वायर लगा देना है होल्डर से लेकर K0 पर लगा देंगे। देखिए हमने K0 पर लगा लिया। फिर जो प्लग से आएगा वहाँ एक वायर हमको K1 पर लगाना है। फिर हमको ये रेप्टर का लाल वायर और ये फैन का लाल वायर दोनों को एक साथ मिला देंगे। और ये ब्लैक और रेप्टर का येलो वायर हम एक साथ लगा देंगे। फिर हमें ये एडाप्टर का और फैन का रेड वायर ये प्लस 12 फी लिखा है वहाँ पर रेड वायर लगा देंगे। एडाप्टर से एक रेड वायर है, फैन से एक रेड वायर है, वो हमें 12 फुल पर लगा देना है। और ये ब्लैक जो है ये पर GND करके लिखा हुआ है वहाँ पर लगा देंगे। फिर हम ये होल्डर का एक वायर लेंगे और यहाँ पर K1 से एक वायर आया, ये दोनों वायर हमें इस 2 पिन टॉप पर लगा लेना है। ऑलरेडी सब कनेक्शन हो गया, अब हम टेस्टिंग करके देखेंगे। फिर हमको ये बल्ब लगा लिया है यहाँ पर, ये एडाप्टर ये 2 पिन तो पावर प्लग में लगा देना है। देखिए ये काम कर रहा है,
कि ये बंद हो जाएगा। देखिए ऐसे ही काम करता है इनक्यूबेटर मशीन।